हेलो एवरीवन, आज मैंने कटहल यानी कि फणस की भाजी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। और इस कटहल को मैंने किस तरह से कट किया है वो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आज जाके ज़रूर से देखिए। तो मैंने कटहल में से इस तरह से जो उसके पल्प होते हैं वो इस तरह से निकाल लिए हैं। ये कच्चा कटहल था तो निकालने में बहुत ही आसान होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले कट लगा लिया है इसमें, और वो जो उसका जो सीड्स होता है उसे हमें निकाल लेना है। और इस सीड्स को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसके भी हम साथ में भाजी बनाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इस तरह से हम निकाल देंगे और इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये जो सीड्स है उसमें भी एक कवर होता है, तो वो कवर हमें निकाल लेना है। और ये जो सीड्स है उसके एक के दो टुकड़े करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है ये पकने में बहुत ही आसानी होती है। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ। तो ये इस तरह से जो पल्प है उसके हम बीच में से कट लगाएंगे और इस तरह से सीड्स निकाल लेंगे और बाकी के हिस्से को इस तरह से कट कर लेंगे। लेकिन ये जो सीड्स का कवर है वो बिल्कुल ही निकालना भूले नहीं, क्योंकि ये छिलका जो है अगर मुँह में आता है बनने के बाद में सब्जी, तो वो आपको एक प्लास्टिक के पेपर के जैसा, यानी कि जैसे कि प्लास्टिक की कोई चीज़ मुँह में आई है वैसा लगता है। तो आप क्या करें, इसमें ज़रूर से ये सीड्स से कवर निकालें और इस तरह से दो टुकड़े करें, ताकि पकने में बिल्कुल ही आसानी हो। और ये जो हमने कट करके रखा हुआ है उसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो कटहल की सब्जी आज हम कुकर में बनाने वाले हैं, तो मैंने कुकर में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए कि इसमें हम राई ऐड करेंगे और साथ ही में थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देंगे। राई और जीरा अच्छे से फूलने लगे, यानी कि अच्छे से स्प्लैटर होने लगे, कि इसमें हम थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। कटहल की सब्जी में हींग ऐड करने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब साथ ही में एक तेज़पत्ता और थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। और साथ ही में अब इसमें हमने फाइनली चॉप्ड किए हुए प्याज और मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च लंबी कटी हुई ऐड कर दी है। आप अपने हिसाब से छोटी छोटी या बारीक वाली मिर्ची भी कट कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। प्याज जब तक अच्छे से ब्राउन कलर के नहीं हो जाए तब तक इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो प्याज अच्छे से पक जाए कि हम इसमें जो कटहल कट करके रखे हुए थे उसे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कटहल कट करके उसके साथ में सीड्स भी डाल दिए हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी तक इन सब्जी में हमने अभी तक कोई भी मसाले ऐड नहीं किए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो ये कटहल की सब्जी हम मालवणी स्टाइल यानी कि महाराष्ट्रियन स्टाइल से बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें कोकोनट का इस्तेमाल किया है। तो इसमें मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, उसे डालना बिल्कुल भी ना भूले। कोकोनट से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। तो आपने देखा कि हमने इसमें कोई भी स्पेशल मसाला इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये सब्जी सिंपल सी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि सब्जी नीचे से जले नहीं। अब यहाँ पे हम ढक्कन लगा देंगे और 2 विसल होने तक वेट करेंगे। अब 2 विसल हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे मीडियम आंच पे 2 विसल कर ली है। अब कुकर का ढक्कन खोल देंगे। तो ये देखिए, हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। तो हर कोई अलग अलग तरीके से ये सब्जी बनाते हैं, तो मैंने इस तरह से सब्जी बनाई है। और साथ ही में अब थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, इससे हरा धनिया ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ ये कितनी अच्छे से पक चुकी है, सिर्फ 2 विसल मैंने किया है। तो ये देखिए, इसके जो सीड्स है वो भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें परोस भी लेते हैं। तो फणस यानी कि कटहल का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आपको मार्केट में बड़ी आसानी से ये मिल जाएगा। तो आप भी लेके आइए और सिंपल सी ऐसी सब्जी बनाइए। और मुझे ज़रूर से बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।